हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग साइकोमेट्रिक का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस यूजिंग अ साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियोस वॉच कर लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इस टॉपिक को ज़्यादा समझने के लिए। ऑल्सो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो साइकोमेट्रिक पे या बाकी किसी टॉपिक्स पे रिलीज़ होगा। स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस क्या होता है। इसे रुद्धोष्म संतृप्तिकरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी हीट की इनपुट नहीं होता है या आउटपुट नहीं होता है। इंसुलेशन में हम लोग इवेपोरेशन करते हैं वाटर वेपर का एयर के अंदर, जिससे वो फुली सैचुरेटेड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, ये हम लोग फर्दर डायग्राम से समझेंगे। अभी हम ये वाला डायग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग पॉइंट वन से जब पॉइंट टू पे मूव करते हैं तो वो एक एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस होता है। पॉइंट वन हमारा एक अनसेचुरेटेड एयर है, एक ऐसा एयर जो कि अभी वाटर वेपर तो उसमें प्रेजेंट है बट फुली वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है। अभी और भी वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी उसमें है। ये हमारा अनसेचुरेटेड कंडीशन है। पॉइंट नंबर वन पे जो भी टेम्परेचर होगा हमारा वाई एक्सिस पे, जैसे हम लोग देख सकते हैं, वो होता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जब हम मूव करेंगे वन से टू तक, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग कर रहे हैं लेकिन एक कंप्लीट इंसुलेशन के एनवायरनमेंट में करते हैं। तो पॉइंट टू पे, सैचुरेशन पॉइंट पे, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। और यही जो एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस है, इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। फर्दर वन से थ्री जो प्रोसेस होता है या बाकी और जो टेम्परेचर्स यहाँ पे डायग्राम में लिखे हुए हैं, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेगा फॉर डिटेल स्टडिंग। स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस का। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, पॉइंट ए से इनलेट हो रहा है एयर एंड वाटर का मिक्सचर। पॉइंट थ्री से जो आउटलेट हो रहा है वो एक सैचुरेटेड एयर वाटर का मिक्सचर हो रहा है। और बीच में पॉइंट नंबर टू में हम लोग लिक्विड वाटर की सप्लाई दे रहे हैं। जब पॉइंट नंबर ए से इनलेट होता है हमारा एयर, तो उसमें ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। जब हम लोग उसको अपने एडियाबैटिक सैचुरेटर के अंदर, इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक सैचुरेटर, इस डिवाइस के अंदर जब हम लोग एयर को इनलेट करते हैं तो वाटर वेपर के साथ जो एयर होती है उसकी मिक्सिंग होती है। वाटर का एक जो लेवल होता है वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है, एयर के साथ मिक्स होता है और एयर को वाटर वेपर एयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से एयर सैचुरेटेड होने लगती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब वाटर वेपर फुली एब्जॉर्ब हो चुका होता है एयर में, इससे ज़्यादा एयर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, वही पॉइंट होता है जब वो फुली सैचुरेट हो चुका होता है। फिर वो पॉइंट नंबर थ्री से आउटलेट हो जाता है। इस पूरे कंडीशन में वाटर लेवल जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है। इसी वाटर लेवल को डिक्रीज़ होने से रोकने के लिए हम लोग कंटिन्यूस वाटर की सप्लाई करते हैं, जिससे वो मेकअप वाटर उसको उस अपने लेवल पे मेंटेन रखता है। वाटर का लेवल डिक्रीज़ नहीं होता, वाटर वेपर उसमें से निकलते हैं, एयर के साथ मिक्स होते हैं और एयर को सैचुरेट करते हैं। इस वक्त अगर हम किसी थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जो टेम्परेचर ऑब्टेन होता है उसे हम लोग कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। ये पूरा आपका एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस में हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। ये साइकोमेट्रिक डायग्राम है जिससे हम लोग एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसके एक्स एक्सिस पे है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो के टर्म्स में भी डिनोट करते हैं।
पॉइंट नंबर ए से हमारा एयर का इनलेट हुआ था जहाँ पे वो अभी अनसेचुरेटेड कंडीशन में था। पॉइंट नंबर बी पे वो फुली सेचुरेटेड कंडीशन में हो जाता है। ए से बी तक जाने में एक कूलिंग का प्रोसेस होता है। कूलिंग का प्रोसेस ए से बी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है। इस कूलिंग के प्रोसेस में मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है, ह्यूमिडिटी रेशियो इंक्रीज़ होती है, और जो लाइन है ए से बी वो वेट बल्ब टेम्परेचर के पैरेलल लाइन मूव करती है। जब ये पॉइंट एक्स तक पहुंचता है तो वो फुली सैचुरेटेड कंडीशन हो जाती है, मतलब कि ह्यूमिडिटी रेशियो हमारी हो जाती है 100%। इस पूरे प्रोसेस का डायग्राम ऊपर शोन है। ए से बी तक के बीच में एक एटोमाइजेशन वाटर स्प्रे हो रहा है, मतलब वाटर का स्प्रे किया जा रहा है। एटॉमिक लेवल पर बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं और एयर उसमें मिक्स हो रहा है। तो हमें जो बी में मिल रहा है वो एयर के साथ साथ वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स भी हैं और फुली सैचुरेटेड कंडीशन में मिल रहे हैं। ये पूरा आपका एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस होता है जिसमें कूलिंग होती है और साथ ही साथ उसका ह्यूमिडिटी रेशियो जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। फर्दर और भी साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस होते हैं। या बाकी प्रोसेस के बारे में जानने के लिए आप हमारा और जो बाकी लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।